भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है, तो वहीं अब व्यापारियों ने भी चीनी उत्पादकों का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते व्यापारियों ने अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर चीनी सामान का बहिष्कार किया है। बता दें कि भारतीय बाजार में चीन में बने करोड़ों रुपए के सामान को बेचा जाता है, जिसका फायदा चीन जमकर उठाता है। भारतीय बाजार का फायदा उठाने के साथ ही चीन भारतीय सीमा में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मंगलवार को चीनी सेना ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। चीन की इस कायराना हरकत के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर बनी हुई है, तो वहीं चीन की इस हरकत से व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते व्यापारियों ने दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। साथ ही व्यापारियों ने केंद्र सरकार से भारत में बने सामान पर टैक्स कम करने और चीन से आने वाले सामान पर अत्यधिक टैक्स बढ़ाने की मांग की है, जिससे लोग भारत में बने सामान को खरीदे और चीन को हराने में मदद दे सके। मैं जितना भी चाइना के प्रोडक्ट मेड इन चाइना लिखा हुआ है, उसका फौरन से फौरन पहले बहिष्कार करना चाहिए। जहां पर भी दुकान पर है, उसे वहां से माल को हटा देना चाहिए, या जैसे भी उसे उसको डिस्क्रीज करना चाहिए, जैसे भी करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए चाइना के माल को। उससे चाइना के ऊपर बहुत बड़ी एक मार पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने देश में ही ज़्यादातर चीज़ें बनानी चाहिए, जिसके लिए कि हमें अपने जितने भी प्रधानमंत्री जी से या सबसे ये कहना चाहिए कि जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं उसको अपने स्वदेशी यहाँ के लिए बनाना चाहिए, यहाँ जो इंडिया में हैं वहाँ बनने चाहिए, जिससे कि बाहर से हमें चाइना से माल मंगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें बहिष्कार करना चाहिए चाइना के बने हुए प्रोडक्टों का। आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बने, बस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, इनके मोबाइलों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, चाइना से बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, स्वदेशी पर जोर देना चाहिए, और जिससे हमारे देश मजबूत हो। आज चाइना हम उन्हीं प्रोडक्टों को हमें बेचता है और उसी हमारे पैसों से ही हमारे सैनिकों को मौत की घाट उतारता है। इसलिए हमें यह है कि हमें अपना चाइना के बिल्कुल सामानों का बहिष्कार कर देना चाहिए।